उत्तर नगर निगम लाख दावे करे परंतु बरसात आते ही इनका कार्य धरातल पर विफल साबित होता है। हम बात कर रहे हैं मेदिनीनगर नगर निगम की, जहां बरसात में लोगों को सड़कों पर चलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम आपको वार्ड नंबर 6 की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जहां सड़क पूरी तरह पानी से भरी हुई है और लोग ठेहुन भर के पानी में होकर गुजरते हैं। गाड़ी, जो भी गाड़ी वाहन जाती है, थोड़ा डर बना रहता है, दो पहिया वाहन का डर रहता है कि कब वो गिर जाएगा, कब हादसा का शिकार हो सकता है यह सड़क। यह मेदिनीनगर नगर निगम का हाल है, कहीं सड़क में पानी जमा है तो कहीं आधा सड़क पर तार लटका पड़ा है, परंतु नगर निगम के जो भी कर्मी हैं या नगर निगम के जो भी जनप्रतिनिधि है, उनका कोई ध्यान इस ओर नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मोटरसाइकिल से लोग पार कर रहे हैं। आसपास के लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन इसकी इन लोगों की समस्या नहीं सुन रहा है और इन लोगों को कितना परेशानी हो रहा है। कैसा वार्ड नंबर 6 12 लोटा का ये मेन रोड है जो बाईपास से जोड़ती है, इसको जब ठेकेदार लोग रोड बना रहे थे तो इतना छोड़ दिया उन्होंने। हम लोगों ने सक्षम हर प्रतिनिधि से बात की, यहाँ के पार्षद से बात किया, एक बार नहीं दसियों बार, और सक्षम हर पदाधिकारी से बात की, नगर निगम में या डिप्टी मेयर हों या मेयर हों, सब तक इस मैसेज को पहुँचाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी 8 महीने 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं, यही स्थिति है, कुछ कोई सुनने वाला ही नहीं है इस वार्ड का। भगवान मालिक है, भगवान भरोसे सब चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। हमने हजारों बार मिन्नत की, विनती की, रिक्वेस्ट किया। मोटरसाइकिल को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होता है, इसके लिए क्या यह हादसा का शिकार कोई बन सकता है? कई बार हादसा हो चुका है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग ज़्यादा परेशान, खास करके रात में काफ़ी परेशानी होती है। इधर बिजली का भी प्रॉब्लम चल रहा है बहुत दिनों से, स्ट्रीट लाइट नहीं है, है लेकिन खराब था। स्ट्रीट लाइट अभी बना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रीट लाइट अभी बना है, यहाँ वाला नहीं बना है, जहाँ गड्ढा है यहाँ वाला नहीं बना है, बाकी सब होगा, हो जाएगा, सब लोग बोलते हैं हो जाएगा, यहाँ तक कि लिखित भी हमने दिया है, हर कमिश्नर को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि यह सड़क पंचायत भवन की ओर जाता है, अधिकारी पदाधिकारी और आसपास के लोग इस सड़क से गुजरते हैं, परंतु किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी जमा है, मोटरसाइकिल का डर बना रहता है कि कब हादसा का शिकार हो जाएगा। पलामू से शशिकांत हो जाए।